छतरपुर जिले के ईशानगर थाना अंतर्गत नन्ही बंधी में पुरानी जमीनी रंजिश के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड के साथ हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों ने एसपी को आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 लगाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गत 7 नवंबर को नन्ही बंधी निवासी गजराज यादव खेत में पत्नी शारदा के साथ काम कर रहा था। तभी मिजाजी यादव अपने साथी मुन्ना, लोकेंद्र, सुमेर, रामू, पुष्पेंद्र और रूप यादव के साथ खेत पर आया और गाली गलौज करते हुए खेत की जुताई करने से मना करने लगा। चूंकि आरोपी के साथ जमीनी प्रकरण चल रहा है, गाली देने से मना करने पर मिजाजी ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडे और लोहे की रॉड से न केवल गजराज बल्कि उसकी पत्नी शारदा पर हमला किया। गजराज के पिता गया प्रसाद और बहू मिथिलेश पर भी जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए धाराएं बढ़ाई जाएं। पानी बराने जा रहा है खेत पे, उन लोगों ने पैर को मार दिया, हमने इसको बचाने गए तो हमारे को मार दिया। क्या हो गया आपके साथ, पैर टूट गया? पैर टूट गया, ये सारे ने मारा है। थाने में रिपोर्ट हो गई है? पानी भराने जा रहे थे तो उन लोगों ने कुल्हाड़ी और सप्लेन से मार पीट दिया। क्यों बोलते हैं, क्यों पानी भरा रहे हो? किस किस ने? मिजाजी, मुन्ना, गुलाब, लोकेंद्र, रूप, सुमित और रामू। कितने लोगों के साथ मारपीट किया आप लोगों के? 8-9 जनों ने किया इकट्ठे। आप लोगों पे कितने लोगों पे हमला किया? 5 जनों पे। क्या क्या नाम है उनके? शारदा, दिया प्रसाद, गजराज और उत्तर टिल्लू। थाने रिपोर्ट हो गई, उनने लिखी नहीं है रिपोर्ट, कुछ छोटी छोटी था लिख के वो भगा दिया हम लोगों ने। हम चाहते हैं हमको न्याय मिले। 307 लगे पूरे घायल हम लोग, इसकी हमारे पिताजी की मरने वाली वो है संभावना।